त्रिवल्लाचार्य स्वामी समझा रहे हैं महान जैन नीति ग्रंथ कुरल काव्य में समझा रहे हैं सशक्त में परिच्छेद में स्वभाव निर्णय जगति पर विभूतियां अलग विषय है। जिसको सदस्वभाव की विभूति प्राप्त है उसके सामने सारी विभूतियां कोड़ी के समान है। कितनी बेवह हो योग्य सागर जी आपके पास लेकिन स्वभाव मीठा नहीं है तो क्या है? मरखू गाय लात मारा है, मरखू गाय दूध भरे पूरे थनों में लेकिन सिर फूट रही है। तो मरखू गाय का दूध निकालना बड़ा कठिन होता है। ऐसी संपत्ति तो बहुत है पर मरखू गाय जैसा स्वभाव है। ज्ञान की संपत्ति है, विज्ञान की संपत्ति है, यश है, पुण्य सब कुछ हो लेकिन मरखा स्वभाव है तो आदमी दूर रहना पसंद करता है। आदमी को अपना स्वभाव मधुर बनाना चाहिए। वो मधुर स्वभाव होगा तो दुनिया आपके पास बैठने का मन करेगी, उसका मन करता मैं बैठूं आऊं आपके पास। आप किसी को देखने पसंद नहीं करते हो, किसी से बोलने पसंद नहीं करते हो, अथवा आप 24 घंटे अपने अहंकार में डूबा रहता जीव, तो ऐसे जीव से कोई प्रीति को प्राप्त नहीं होता। इसके बाद ओ इतनी लंबा चल के आ गए। इसके बाद उस्वमहीन भावना में आ जाता कौन? जो धनपति अहंकारी। और स्वयं अहंकारी हीन भावना में आ जाता। क्यों? इसलिए हीन भावना में आ जाता है कि अब उससे कोई पसंद नहीं कर रहा तो अब वो बेचारा देखता है विभूति किस काम की, लोग मेरे द्वारे पर नहीं आते, अब द्वारे पर कैसे आए? तुम आए से डायरेक्ट गाली बकते हो, आए गाली बकते हो। अरे विभूति अपने स्थान पर, प्रेम की भाषा बोल लो, किसकी पर्याय कब विलीन हो जाए। कितने लोग गोमटेश के पुराने अभिषेक के बाद इस अभिषेक तक विलीन हो गए, कितने साधु संत चले गए, नेता पंडित सब चले गए। ठीक है, ज्ञान सागर जी उपाध्याय ज्ञान सागर कोई सोच ही नहीं सकता था, अभी तो ऐसे चले गए। हाँ, तो इस प्रकार से दुस्तर नामकरम जो आप बोल रहे हो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये नामकरम की प्रकृति है ना। ओ भाई नामकरम की प्रकृति है ना, बोला बंद कर दो हमारी तरफ देखो, ये उत्तर प्रकृतियां हैं। यानी उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है, होता कि नहीं होता है? ये यश से अपयश में भी जा सकता है, सुस्वर से दुस्वर में जा सकता है। अरे भाई कर्म की प्रकृति अपने स्थान पर है, आपकी भावना तो वैसी होना चाहिए कम से कम। और कर्म की प्रकृति का नाम लेके आप बोल दोगे तो फिर तुम्हारी कभी कर्म की प्रकृति बदलेगी ही नहीं। कर्म की प्रकृति बदलेगी ही नहीं, कर्म की प्रकृति नहीं बदलती है, हमारा पुरुषार्थ बदलता है। आप विचार तो करो मन में, उन कर्मों को बदलना पड़ेगा, वो कर्म के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो आप कहीं कर्म की निर्जरा नहीं कर पाएंगे, मोच नहीं जा पाएंगे, कर्माधीन हो जाएंगे, कर्माधीन हो जाओगे। संपत्ति कमाने के लिए पुरुषार्थ करने लगते हो तो स्वभाव बदलने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बोले मेरा स्वभाव हम एक इंच नहीं खिसकेंगे, जब आप नहीं खिसक सकते तो दुनिया तुम्हारे पास क्यों खिसक के आएगी? अपना स्वभाव बदल लिया आप। एक जीव से हमने कहा आप इतने सब कुछ होने के बाद भी अपना चिड़चिड़ी स्वभाव आप छोड़ दीजिए, इसको आप कीमत बढ़ जाएगी। बोले महाराज जी लोग हमको पसंद ही नहीं करते, हमें तुमको पसंद नहीं करते विषय छोड़ दीजिए, आपको लोग पसंद करते, आपके स्वभाव को पसंद नहीं करते। आपको पसंद नहीं करते होते तुम्हें आहार क्यों देते, आप पसंद नहीं करते होते तुम्हारा कमंडल लेके क्यों चलते, आपकी मुद्रा को पसंद करते पर आपसे दूर क्यों रहना चाहते, आपका स्वभाव विचित्र है। किसी बात को भी कहना है तो सीधा कहना सीखो, घुमाओ को नहीं, सीधा बोलो, सीधा चलो, सीधा खाओ, सीधा पियो, सीधा जियो। खुजली पड़ रही तो खुजा लो, सुनो ना, खुजली पड़ रही तो खुजा लो, लेकिन ऐसे घुमा करके ऐसे ला करके और भाई देखो हम तुम्हारे ऐसा है
आप प्रशंसा ही, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और धीरे से ऐसे कर लिया। अरे भाई तुम्हें तो पहुंचना ही था, तो बोल दे भाई प्रशंसा ही है, खुजरान पड़ी, तुम खुजा तुम्हारे लिए। इसलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए नीति रीति सबका बोध होना चाहिए। विद्यानुचित कर्मणाम पुंसाश्च सत्कल संकल्पम पुंसक्तम च संभूभृतः तदैव लभ्यन्ते तर्हि यथा यत्नेन गम्यते। यहाँ पर छठवें श्लोक में कह रहे स्वभाव निर्णय परिच्छेद में पुंसाश्च सत्य संकल्पम, व्यक्ति का संकल्प सत्य होना चाहिए परंतु यथार्थभूत होना चाहिए। संकल्प दृढ़ है तो जगत में कोई बात बड़ी नहीं है, और जिसका संकल्प कमजोर है उसलिए मेरे मित्र हर वस्तु बहुत बड़ी है। संकल्प के बल पर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, कर्म तोड़ सकता है, पहाड़ तोड़ सकता है। अभी आप देख के आना, एक गांव में एक आदमी ने पहाड़ तोड़ दिया संकल्प में। तो मनुष्य जो इच्छाएं करता है उसे इष्ट रूप से भी पा सकता है। पूर्ण सत्य समृतम तदेव लभते तरी यथा यत्नेन कम काम्यते। यदि वह शुद्ध अंतर्गत उनका सच्चा संकल्प करे तो अपनी कामना को पूर्ण कर सकता है। इसलिए जिसके संकल्प में दृढ़ता नहीं है, स्वयं का निर्णय ही पक्का नहीं है, आप कमरे में बैठ जाइए और फिर निर्णय करो बहुत धूप है कैसे विहार करूँगा, आप जीवन में कभी विहार नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? धूप निकलते ही बरसात शुरू हो जाएगी, अब पानी गिरने लगा, अब कैसे निकल सकते हैं? वो पानी बंद हो तो ठंडी शुरू हो जाएगी, अब तो ठंडी पड़ रही है, अब कैसे निकल सकते हैं? मतलब कमरे में बैठे बैठे अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो निकल जाता है तुम कमरे में बैठे मिलोगे पूरे देश की परिक्रमा लगा के आ जाता है। सुनो दाऊ, जितना हमने बिहार किया, हमें दो तीन चार चार साल से साधु में 100-200 किलोमीटर पर ही घूम रहे हैं, जब तक अपन पूरे घूम घाम के आ गए। नहीं दाऊ को क्या है ना, संकल्प दृढ़ है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, आर कराओगे नहीं कराओगे हम ये जा रहे हैं, पुण्य होगा तो अपने आप आहार आएगा। आइए, अकृति नेव निराकोपी निष्कर्म गच्छति सैव दृष्टि काले कर्मधारो रक्षावत। आकृति निराकोपी, यदि किसी आदमी की आकृति से घृणा नहीं करनी चाहिए। ओह ये बहुत बड़ी बात सुनो निसंग सागर, आप सभी मुनियों को समझना चाहिए। प्रमोद बारदान है ना, जो मेरे पास पहली बार आए तो लोग कहते हैं कि ये कैसा जीव होगा। अरे आकृति से निर्णय मत करो, उस व्यक्ति ने देखो कितने कितने भगवान रखा दिए, उसके अंदर की भावना तो देखो आप, जगह जगह दान देते भाई। इसलिए ये मत देखो, अभी जैसे इनके भैया है छोटा, उसको तुम देखोगे तो ऐसे देखे कोई गरीब आदमी है, सेठों के सामने तो कुछ चेहरे ही नहीं दिखे, भी करोड़ों का दान करते रहते। अष्टावक्र 8 गज टेढ़े थे, आकृति थी लेकिन विद्वान आदमी था। आचार्य जिनसेन स्वामी बहुत सुंदर नहीं थे ऐसा आगम में लिखा है, लेकिन उनका साहित्य देखो आप, महापुराण पार्श्वबोधय। इसलिए आकृति को देखते ही जो नाक सिकोड़ते हैं उन्हें भी गुणवत्ता का बोध नहीं है। आपने कीवी का फल देखा? कीवी का फल, अब कीवी का फल है ना, ऊपर से देखो तो वो कीचू चीकू जैसा दिखता है मटमेला, वो अंदर निकालो तो क्या हरियल निकलता है। एक पत्थर था अमरावती में, प्रसम सारू पता है, तो वो पत्थर था इस बन, वो उन्होंने तोड़ा थ्री ब्रदर्स, अरे वो अपने जिसने प्रसाद देश में छापी थी भाई ने, तो वो पत्थर था सुब्रत सागर, वो पत्थर उन्होंने बीच में तोड़ दिया,
जैसे हीरे मोती चकमका रहे हैं, ऐसे उसके अंदर भरे पड़े हुए। उनके बहुत संपत्ति इस विषय सामान बटैया रहती ना, उस बटैया को बीच में से तोड़ दिया, उसके अंदर ऐसे जैसे कोई ने बिल्कुल जैसे मोती फंसा के रख दिए हो, ऐसे चकमका रहे हैं, जगमग ज्योति जल रही है। इसलिए आकृति को मात मत देखो, अभी क्लास क्लास बैठो। आकृति न कोपि निष्क्रम न अधिगच्छति, उसको नैक निष्कर्मम अधिगच्छति स एव दृष्टे काली कारधारो रक्षावत। किसी आदमी की आकृति को देखकर घृणा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे आदमी जो भारी गाड़ी से धुरा की कील के समान है, इधर देखो कील जो होती है ना टेढ़ी होती है धुरा की कील, लेकिन आपको मालूम कितना बड़ा काम करती है धुरा की जो कील होती है ना, धुरा की कील आपने देखा गाड़ी का पहिया, रेल गाड़ी का पहिया चलता है उसमें छेद में ऐसे ऐसे फंसी रहती है, वो ऐसी थोड़ी टेढ़ी रहती है, उसकी आकृति मत देखो, उसकी उसके बिना चक्के निकल के फेंक जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों से मेरा कहना है, आप लोग भविष्य में बड़े बड़े संघपति बनो, ठीक है, समाज में रहो, लेकिन कोई छोटे मोटे हम जैसे आदमी मिल जाए तो उनको देख करके मत भगा देना भाई, बोले आकृति देख करके ही तुम ग्लानी मत करना। कभी कभी जिनके रूप अच्छे नहीं है, बेबी धुरा का काम, धुरा में कील के समान काम करते हैं। मंद के कई ने एक अंगुली से अपना काम कर दिया था, ठीक है। इसलिए किसी व्यक्ति को एकदम ऐसा मत देखो, कौन कैसा कब तुम्हारे काम में कौन आदमी आ जाए। संभूत प्रभुत सत्ता जिसके पास है उसे बहुत संभल के रहना पड़ता है। जो भी तुम्हारे द्वारे पर आए सबका सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो, तुम सम्मान करोगे सम्मान पाओगे, वो अपमान करोगे तो हम जैसे लोग तब भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, फिर तुम अपने आप में अपमानित हो जाओगे। ये एक नीति सीखो, जिसने आपका दाऊ अपमान किया हो वो तुम्हें कहीं मिल जाए उसका इतना सम्मान करो, इतना सम्मान करो, तो बेचारा स्वयं सोचेगा हम इनके द्वारे पर जब आए, जब ये हमारे द्वारे पर आए थे तो हमने इसको पानी को नहीं पूछा। एक जगह हमने ऐसा करा दिया था, आपको याद है, इनडायरेक्ट समझना आप, रायपुर में कि एक व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब मैं बार बार कहूँ भाई सबके दिन एक से नहीं होते हैं, आपको सबका सम्मान रखना चाहिए। कोई भी बड़े से बड़े महाराज जी हों, आज तुम्हारी बड़ी सभा है, आज है वो तुम्हारी सभा नहीं पंचगण की सभा थी, तुम तो दूसरे दिन फिर वहीं पहुंच जाते हो, फिर दिखा दो कैसी सभा लगती है आपकी। कोई महामहोत्सव चल रहा है, उसकी भीड़ है, कोई सामान्य व्यक्ति आ गया उसे धुतकारो मत कि ऊंचे सिंहासन में बैठते ही आप उसको एकदम कुछ नहीं समझ रहे हो। हो सकता है जो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं वे उतनी श्रद्धा से भरे नहीं हैं, वे मात तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, पर जो सामान्य आदमी है वो श्रद्धा से भरा बैठा है। श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। इसलिए आकृति नरकोपी निष्करण नैष्कर्म्यम न अधिगच्छति, उसकी आकृति को देखते ही घृणा मत करो, गिलानी मत करो। स एव दृष्टे काले काल आने पर कार्यधारो रथाक्षवत, रथ का अच्छ, रथ का चका होता ना चका, उस चके के अंदर अच्छ, तो चके के अंदर जो धुरी रहती है, ठीक है, धुरी नहीं होगी तो रथ किस पे चलेगा, चका। पर वो धुरी जब भी रथ होती है ना हल्की सी टेढ़ी होती है, धुरी भी टेढ़ी रहती है, और उसके जो कील डालते ना वो तो टेढ़ी होती ही होती है। इसलिए ऐसे लोग भी आपके रथ में धुरी के समान हो सकते हैं। इसलिए आकृति से निर्णय मत करो, उसके स्वभाव पर ध्यान दो, मत देखो आकृति मात्र।